नमस्कार। आज की जो वीडियो है इसमें जो हम जिस लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, ये जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत जो है निकल कर के आई हुई है, जो कि पोस्ट है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको बता दें कि इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 31 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है और ये जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब है। जो पोस्ट का नाम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट का जो पोस्ट है और इसमें जो है टोटल एक पोस्ट की वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद 10 ईयर्स स्पेशलाइजेशन इन साइबर लॉ साइबर सिक्योरिटी, यानी कि आपके पास लॉ की डिग्री के साथ साथ 15 साल का जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 10 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका साइबर लॉ या फिर साइबर सिक्योरिटी में होना चाहिए। एज लिमिट भी आपको यहाँ पे उसी के हिसाब से रखी गई है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 45 साल से लेकर के 65 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज जो है 45 साल से कम है या 65 साल से ज़्यादा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इनिशियली आपको जो है 1 साल के लिए हायर किया जाएगा और आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। जॉब लोकेशन की बात करें तो इसकी जो जॉब लोकेशन है वो है BCSC हेडक्वार्टर जनपद नई दिल्ली में और इसके लिए जो अलाउंसेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है वो लगभग 2 लाख रुपीज़ पर मंथ है और इसके लिए आपको जो है ऑफलाइन आवेदन करनी है वो भी 30 डेज़ के अंदर ही, जब इसकी नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। तो इसकी नोटिफिकेशन कब जारी की गई इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। आपको इसको जो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे हम आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो एनेक्चर 1 जो है जो कि इसी नोटिफिकेशन के साथ में संलग्न है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इसे फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक अंडरटेकिंग देखने को मिलेगा, इसे भी आप प्रिंट आउट कर लेंगे और इसके साथ इन दोनों को आपको फिल करनी है और इसके साथ में जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मार्कशीट उन सबको इसको अटैच करना है और अटैच करने के बाद आपको स्पीड पोस्ट के जरिए इसे सेंड कर देना है इस एड्रेस पे जो कि इस नोटिफिकेशन के ऊपर ही दिया हुआ है। तो अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। धन्यवाद।